जय श्री नामदेव जी महाराज। आज का 32वां अध्याय भक्त गोरा। पिछले 31वें अध्याय में हमने भक्त राका और बाका के बारे में पढ़ा। आज का 32वां अध्याय, जिस गोरे कुमार का जिक्र हम पीछे 13वें अध्याय में कर कर आए हैं, जिसने संत ज्ञानेश्वर के कहने से भक्तों की मंडली में से गुरु विहीन भक्त का भेद बताया था, उसके बारे में हम इस अध्याय में विस्तार से ही पढ़ेंगे। गोरा कुम्हार महाराष्ट्र प्रांत के तेलडोक नामक गांव में अपनी पत्नी सहित रहता था और कच्चे बर्तन बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह विठल भगवान का भक्त था। एक दिन गोरा कुम्हार बर्तन बनाने के लिए पैरों से मिट्टी गूंथ रहा था। उसका 10-11 महीने का बच्चा पास ही खेल रहा था। गोरा की पत्नी बाहर किसी काम से जाती हुई अपने पति से कह गई कि बच्चे का ख्याल रखना। बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ मिट्टी में आ गया। गोरा प्रभु के वरदान में मस्त था। उसे पता ही न चला कि कब उसके पैरों के नीचे मिट्टी नहीं, उसका अपना ही बच्चा आ गया है। पैरों के नीचे कुचले जाने से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। जब गोरा की पत्नी बाहर से आई तो उसने अपने पति से अपने बच्चे के बारे में पूछा, लेकिन गोरा अपनी धुन में मिट्टी गूंथे जा रहा था। अचानक उसकी पत्नी की दृष्टि गोरा के पैरों पर पड़ी तो वह चिल्लाने लगी कि हमारा बच्चा तो आपके पैरों के नीचे कुचला जा चुका है। गोरा की पत्नी बच्चे की इस हालत पर क्रोधित होकर बोली कि आग लगे तुम्हारी ऐसी विठल भगवान की भक्ति को, जिसे यह भी न ख्याल आया कि अपना ही बच्चा अपने पैरों के नीचे कुचला जा चुका है। क्या विठल भगवान आपको अंधा होकर भक्ति करने को कहता है? अपनी पत्नी की बातें सुनकर गोरा ने डंडा उठाया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे विठल भगवान की सौगंध देकर मारने से रोक लिया। विठल भगवान की सौगंध देने पर गोरा ने डंडा फेंक दिया और फिर अपने काम में लग गया। उसके पश्चात दोनों में अनबन ही रही। कुछ दिनों तक गोरा की पत्नी ने देखा कि गोरा उससे बातचीत ही नहीं करता, एक तरह गृहस्थ जीवन ही त्याग दिया है। तो वह कहने लगी, पतिदेव, गृहस्थ जीवन में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। गुस्सा त्याग कर आप अपने गृहस्थ और वंश की चिंता करो। मैं अपनी भूल की आपसे क्षमा मांग चाहती हूं। जब गोरा की पत्नी क्षमा मांगते हुए उसके पांव पड़ने लगी तो गोरा हट गया और कहने लगा कि तुमने भगवान विठल की सौगंध देकर कहा था कि मुझे हाथ न लगाना, इसलिए सूर्य दूसरी तरफ से निकल सकता है, लेकिन मैं अपनी सौगंध नहीं तोड़ सकता। यह सब बातें गोरा की पत्नी ने अपने मायके जाकर कही और यह भी कहा कि मेरे पति का दूसरा विवाह कर दो ताकि हमारी अंश रह जाए। उसने अपने माता पिता से परामर्श करके अपनी छोटी बहन का विवाह गोरा से के साथ करवा दिया। जब गोरा अपने ससुराल से अपनी दोनों पत्नियों को लेकर चलने लगा तो उसके ससुर ने कहा कि गोरा जी, आपको विठल भगवान की सौगंध है। यदि आप मेरी दोनों बेटियों में कोई फर्क समझो या कोई भेदभाव करो। यह सुनकर गोरा जी प्रणाम कर अपने गांव आ गई और दोनों पत्नियों के साथ एक जैसा व्यवहार करते रहे। एक दिन उनकी पहली पत्नी ने कहा, स्वामी, आप अपनी दूसरी पत्नी को अंगीकार करें। तो गोरा जी कहने लगे कि मुझे आपके पिताजी ने विठल भगवान की सौगंध दी है कि आप दोनों में कोई भेदभाव न समझू, इसलिए मैं विठल भगवान की सौगंध को तोड़ नहीं सकता। एक रात गोरा भक्त जी की दोनों पत्नियों ने क्या किया कि जब गोरा जी सो रहे थे तो इनके इर्द गिर्द वे दोनों लेट गई और दोनों ने अपनी छाती पर उनका एक एक हाथ रख दिया। जब सुबह उठकर गोरा ने अपनी स्थिति देखी तो वह बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि इन दोनों हाथों ने मेरी सौगंध तुड़वा दी है। पश्चाताप करने के लिए उसने अपने दोनों हाथ काट डाले। यह देखकर उनकी दोनों पत्नियां दुखी हुई तो गोरा जी ने कहा, यह सब भगवान विठल की लीला है।
जब कृष्ण भगवान ने देखा कि मेरे भक्त ने अपने दोनों हाथ काट लिए हैं और अब उसका निर्वाह कैसे होगा, वह अपनी रुक्मणी देवी सहित कुम्हार के भेष में कोरा के पास आए और कहने लगे, हम कुम्हार है और कच्चे बर्तन बनाते हैं, पंडरपुर में काम कम हो गया है, हमें अपने पास रख ले और आपका साझेदार बनकर काम करूंगा। गोरा जी ने उसे अपने पास रख लिया और साझेदार के रूप में काम शुरू कर दिया। बर्तन बनाकर करीब के गांव में बेच आते। इस तरह सभी का निर्वाह होता रहा। कुछ दिनों के पश्चात साप्तामाली और संत ज्ञानेश्वर पंडरपुर आए तो उन्हें प्रभु के दर्शन न हुए। संत ज्ञानेश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि प्रभु गोरा जी के पास है। वे दोनों ही गोरा जी के पास गए और बताया कि आपके यहाँ कुम्हार के रूप में काम कर रहे हैं वह विठल भगवान और रुक्मणी जी है। यह सुनकर गोरा बहुत शर्मिंदा हुए। उधर प्रभु को भी पता चल गया कि गोरा सब कुछ जान गया है। वे वहां से रुक्मणी सहित अलोप हो गए, होकर पंडरपुर आ गए। साप्तामाली, संत ज्ञानेश्वर और गोरा अपनी दोनों पत्नियों सहित पंडरपुर विठल प्रभु के मंदिर में पहुंचे तो वहां भक्त नामदेव जी प्रभु प्रेमियों में कीर्तन कर रहे थे। इन सभी ने भी भगवान के चरणों में माथा टेका और संगत में बैठ गए। भक्त नामदेव जी ने संगत में से गोरा भक्त को अपने पास बुलाकर कहा, भक्त जी छेने बजाओ और मेरे साथ प्रभु का गुणगान करो। गोरा भक्त ने कहा कि मेरे तो दोनों हाथ ही नहीं है, मैं छेने कैसे बजा सकता हूं। तब भक्त नामदेव जी बोले, आ विठल भगवान का नाम लेकर टूंडे हाथों से छेने पकड़ो, हाथ खुद भगवान जी दे देंगे। गोरा जी ने जब अपने टूंडे हाथ छेनों को लगाए तो उनके हाथ बिल्कुल ठीक हो गए और वह प्रभु की मस्ती में छेने बजाने लगे। भक्त नामदेव जी को दयालु देखकर गोरा जी कहने लगे, मेरा इकलौता पुत्र था, कृपा कर उसे जीवित करे। भक्त नामदेव ने विठल भगवान के चरणों में विनती करके गोरा जी को कहा कि आप बच्चों का नाम लेकर उसे पुकारो। जब गोरा जी की पत्नी ने अपने बच्चे को आवाज दी तो वह घुटनों के बल चलता हुआ आ गया। दोनों ने अपने बच्चों को उठाया और प्यार किया। इस तरह सारा परिवार विठल भगवान का गुणगान करते हुए पंडरपुर से अपने गांव तेवडोक चल पड़ा। इस प्रकार आज का 32वां अध्याय यही समाप्त हुआ। मिलते अगले अध्याय में। जय श्री नामदेव जी महाराज। जय।